सो हेलो ट्रेडर्स, कैसा हाल चाल? आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक न्यू अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये प्रोसेस यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि यहाँ में जो ब्रोकरेज प्लान्स है, देखो बहुत लोगों को यहाँ में दिक्कत आती है कौन सा ब्रोकरेज प्लान आपके लिए सही होगा। अगर आपका एज 30 से कम है तो ट्रेड फ्री यूथ प्लान आपके लिए बेस्ट है, और अगर 30 से ज़्यादा है तो कौन सा प्लान ले, ठीक है? तो एज अगर कम है आपका तो अच्छा है, आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये सारे प्लान्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने जो प्लान लिया था वो था ट्रेड फ्री यूथ प्लान, जिसके लिए आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए, और ये सारे प्लान्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है? या फिर अभी समझा देते हैं, ठीक है? क्योंकि अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोगों को जो भी है ब्रोकरेज प्लान्स पता होने चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये तीन ब्रोकरेज प्लान्स मैं आपको बताऊंगा, फिर हम लोग चलेंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो देखो कोटक न्यू में तीन प्लान्स हैं। पहला मैं बताता हूँ ट्रेड फ्री यूथ प्लान, जो कि अगर आपका एज 30 से कम है जैसे कि मैं, तो आप लोगों को यहाँ में ये प्लान मिल जाएगा। जब अकाउंट ओपनिंग करोगे तभी ये शो होगा, तो आप लोगों को ट्रेड फ्री यूथ में क्लिक करके 300-299 पे करोगे तो एक साल के लिए आप लोगों को ट्रेड फ्री यूथ प्लान मिल जाएगा। तो एक साल के लिए सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा, इंट्राडे डिलीवरी, FNO, कैरी फॉरवर्ड, ओवरनाइट, सब कुछ। तो बहुत ही सही है। तो यहाँ में सेकेंड ईयर जैसे स्टार्ट होगा तो आप लोगों को 499 देना पड़ेगा, फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। जो सब्सक्रिप्शन है ट्रेड फ्री यूथ प्लान का, वो रिन्यू करना पड़ेगा 500 से, और फिर से सब कुछ आपके लिए फ्री मिल जाएगा। तो ये समझ गए ट्रेड फ्री यूथ प्लान। तो अगर आपकी एज 30 से कम है तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही सही होगा, मैंने लिया है। और अभी आप लोग जा सकते हो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में, मैं टाइम स्टम्प लगा दूंगा। तो अभी सिंपल सा, जिनका एज 30 से ज़्यादा है उनके लिए देखो यहाँ में दो प्लान्स हैं। ये जो ट्रेड फ्री प्रो है ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? तो देखो ट्रेड फ्री प्रो प्लान ना, ये बहुत ही महंगा प्लान है, मुझे नहीं पता ये क्यों लॉन्च किया है। ये इसका जो भी सब्सक्रिप्शन है वो सबसे ज़्यादा है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ट्रेड फ्री प्लान, जो कि 30 से ज़्यादा एज वालों के लिए है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोगों को अकाउंट ओपनिंग के टाइम में 100 रुपये हम लोगों को अकाउंट ओपनिंग के टाइम में पे करना है। और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आप लोगों को जो इंट्राडे पोजिशंस है, इंट्राडे में कुछ भी पोजिशन बनाओगे सब कुछ फ्री है, इंट्राडे फ्री है। और यहाँ में एक चीज़ ख़राब है कि अगर आप लोग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हो नेक्स्ट डे के लिए तो 20 देना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड में। बाकी देखो हमको इंट्राडे ट्रेडर्स ही देख रहे हो वीडियो, मुझे पता है, तो इंट्राडे में फ्री है, आप लोग मज़े ले सकते हो। अगर आपका एज 30 से ज़्यादा भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी यहाँ में डिलीवरी में 0.25% है, जो कि ट्रेड फ्री यूथ प्लान में डिलीवरी भी फ्री है। तो आप लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट करोगे तो डिलीवरी में चार्जेस हैं। देखो आप लोगों को इंट्राडे में ट्रेड चाहिए तो इंट्राडे यहाँ में फ्री है, मज़े ले सकते हो। और जैसे ही आपको ये प्लान एक साल ख़त्म हो जाएगा ट्रेड फ्री प्लान, फिर सेकेंड ईयर में आप लोगों को सिर्फ 499 पे करना है, जो कि वन टाइम फीस है। एक बार आप लोग 500 पे कर दोगे फिर आप लोगों के लिए ये जो भी ट्रेड इंट्राडे है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा ट्रेड फ्री प्लान में, ठीक है? तो यही सारा सीन है। बाकी जो भी कैरी फॉरवर्ड और डिलीवरी है उसमें चार्जेस लगेंगे। तो ट्रेड फ्री प्लान भी अच्छा है, सिर्फ इंट्राडे फ्री है, समझ गए ना? और यही सारे प्लान्स थे। और ट्रेड फ्री प्रो प्लान बहुत ही महंगा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे नहीं दिख रहा। तो सीधा का सीधा आप लोगों के लिए ट्रेड फ्री प्लान बेस्ट है, ठीक है? तो अभी हम लोग बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में। देखो आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हो, प्ले स्टोर से भी जा सकते हो। यहाँ में क्या है कि रेफर एंड अर्न के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक महीने में आप लोग 4 लोगों को रेफ़र कर सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ में अभी ऑफर चल रहा है 500 का, कभी 300 ही रहता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ में मैक्सिमम आप लोग 4 बंदों को रेफ़र कर सकते हो, यहाँ में देखो, ठीक है? तो ये सारा रेफरल जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी चलते हैं हम लोग कैसे हम लोग अकाउंट ओपनिंग करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, देखो यहाँ में हम लोग सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को रेडी रखना है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात, आप लोगों को जो आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है वो रेडी रखना है, और जो बैंक अकाउंट है जिसका नाम में आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा उन्हीं के नाम में आप लोगों को बैंक अकाउंट चाहिए होगा। तीन चीज़ें आपके पास है तो आप लोग आराम से अकाउंट बना सकते हो। सिर्फ आधार कार्ड में लिंक, फ़ोन नंबर में OTP जाएगा जिससे आप लोग वेरीफाई करोगे आपका आधार, तो
यही तीन डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार, पैन और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ में सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, जैसे लिंक से हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर नेम और मोबाइल नंबर आप लोग जैसे डाल लोगे, फिर आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ में। यहाँ में आप लोगों को पूछा जाएगा आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है। तो आपका जितना भी होगा, 1 से 2 साल, 2 से 4 साल, आप लोग सबमिट कर देना। फिर हम लोगों को यहाँ में अपना जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पैन कार्ड नंबर हम लोग आराम से डाल लेंगे, फिर हम लोग यहाँ में डालेंगे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल लेंगे। तो ये दोनों डालने के बाद आप लोगों को अपना वेरीफाई हो जाएगा पैन। तो मैं प्रोसेस देखता हूँ, रुको, मेरा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ में आप लोगों को अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो डाल लेना है, जेंडर, फादर्स नेम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये सारे पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर दोगे, फिर आप लोगों को यहाँ में जो आपका बैंक अकाउंट है वो ऐड करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर, ईमेल वेरीफाई करने के बाद पैन कार्ड हम लोग वेरीफाई करेंगे, पर्सनल डिटेल्स जैसे डाल लेंगे नॉर्मल चीज़ें, मदर्स नेम, फादर्स नेम और नॉर्मल पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद हम लोग को बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट जैसे हम लोग ऐड करेंगे, आप लोग सर्च करो जो भी आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। और सर्च करने के बाद आप लोगों को अकाउंट नंबर टाइप कर देना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में मैं लगा दूंगा। अभी के लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ अपना जो अकाउंट ओपन किया था। तो जैसे हम लोग अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे और IFSC कोड, तो वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई जैसे आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को देना है अपना जो भी सेल्फी है, सेल्फी अपलोड करना है, ठीक है। तो सेल्फी आप लोग जैसे अपलोड कर दोगे अलाउ करके, फिर सेकेंड में आप लोगों को अपना एक सिग्नेचर चाहिए होगा। जो सिग्नेचर है वो एक जो भी ब्लैंक पेपर होगा उसमें आराम से सिग्नेचर कर लेना और आप लोग अपलोड कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोगों को करनी पड़ेंगी फाइल से। फिर जैसे ये दोनों प्रोसेस ख़त्म होती है, आप लोगों को सिंपल सा प्लान्स मिल जाएंगे जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया थे। यहाँ में ट्रेड फ्री प्लान, फिर ट्रेड फ्री यूथ। तो आपका एज जितना भी है, अगर 30 से कम है तो ट्रेड फ्री यूथ प्लान सिलेक्ट करेंगे, और अगर 30 से ज़्यादा है तो ट्रेड फ्री प्लान यूज़ करेंगे। तो इन प्लान्स में आप लोगों को अगर ट्रेड फ्री यूथ सिलेक्ट करते हो तो 300 रुपये लगेंगे, अगर ट्रेड फ्री प्लान जो कि 30 से ज़्यादा वालों के लिए है उसमें सिर्फ 99 रुपीज़ आप लोगों को पे करना है। फिर आप लोगों का प्रोसेस जो भी सब्सक्रिप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ में अपना जो भी है ई साइन करेंगे। ई साइन मतलब आप लोगों का जो आधार कार्ड होता है उसको वेरीफाई किया जाता है। तो जैसे हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर वहाँ में सेंड OTP करेंगे तो OTP आ जाएगा। तो जैसे हम लोग आधार कार्ड को वेरीफाई कर देंगे अच्छे से, तो काम ख़त्म हो गया। यहाँ में आपका जो भी ऐप है, प्ले स्टोर से ऐप आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, और 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सारा वीडियो था अकाउंट ओपनिंग के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई जो भी प्लान है। और अकाउंट ओपनिंग तो बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने प्रोसेस देख ही लिया इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को कोटक नियो के बारे में और कुछ वीडियोज़ देखनी है, लेफ्ट में मैं लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।